हेलो दोस्तों, स्वागत है नितीश प्रीति ब्लॉग्स में। दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में सब खुश होंगे। दोस्तों अभी सुबह के 9 बज चुके। दोस्तों हमारी ओर से आप सबको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों अभी चले सुबह सुबह खाना खाने के लिए, और मेरी धर्म पत्नी जी का भी तबीयत थोड़ा ख़राब है दोस्तों, और अभी सोई हुई भी सो के उठी है, मौतूद हुई है, फ्रेश हुई है, और अब जा रही भी खाना खाने के लिए वो भी। और इधर ये हॉर्लिक्स का पैकेट है 5 वाला, इधर गर्म पानी एक पैकेट में नहीं होगा, एक और दे दो, एक पैकेट और दो, गाढ़ा नहीं होगा तो फिर नहीं अच्छा लगेगा खाने पीने। एक पैकेट और दे दो। 2 पैकेट था दोस्तों हॉर्लिक्स, तो दोनों पैकेट डाल दे रहे हैं, अच्छे से घोल लेते हैं क्या जी। हो गया। और इधर रहा रोटी, अभी रोटी खा के फिर दवा खाएगी। अभी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, थोड़ा 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 ठीक लग रहा है अभी। और इधर मेरा खाना दोस्तों रात में ही बना दी थी, तो वही रात का बचा चावल है, बासी चावल, और एक कटहल का भोथा का भुजिया, तभी हम ये खाएंगे। और मेरी धर्मपत्नी जो रोटी खा रही है अभी हॉर्लिक्स के साथ, इसमें भिंगाओ धनो, मजा आएगा खाने में। पानी मशीन दे दो। हाँ इतना सर रहने दो, उसमें तो फूल जाएगा रोटी भी, तो खाने में अच्छा लगेगा, और खाना खा के भी दवा खाएगी। इसलिए भी रेगुलर वीडियो भी नहीं आ पा रहा दोस्तों, क्योंकि तबीयत खराब है अभी मेरी धर्मपत्नी जी का। कल भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, कल से खराब है। पहले से हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम है। खाना खा हाँ लिया है, मेरी धर्मपत्नी जी भी खा ली रोटी, और हॉर्लिक्स के साथ रोटी खाई है, और अभी दवा खाने के लिए जा रही है। और ये रहा दोस्तों दवा बुखार का, इधर पानी ले लिया, खाओ जी। कैसे कर रही है? दवा खाने में दिक्कत होता है क्या? नहीं अटकेगा, पानी थोड़ा पी लो, बेड पे सो जाओ, आराम करो। अभी कैसा लग रहा है जी? बहुत ठीक लग रहा है, दवा खाए उसके बाद अब थोड़ा देर बाद ही आराम हो रहा है। अभी थोड़ा आराम करना, हम थोड़ा काम करने जाएंगे। और अभी दोस्तों नज़दीक अब एग्ज़ाम भी आ रहा है, सेमेस्टर 3, अभी 22 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है फिर आज जी कितना का। तारीख? आज हो गया 14 तारीख, मात्र 6 दिन, 6-7 दिन बचा हुआ है, और अभी सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम होगा। अभी देखते हैं तबीयत कैसा रहता है, ठीक हो जाता है तो एग्ज़ाम भी दे पाएगी क्या जी। भगवान से ही दुआ कर दे थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि सामने एग्ज़ाम भी है। और अभी फिलहाल अभी आराम करने के लिए जा रही है, आराम करेगी तब तक हम जाते दोस्तों काम करने के लिए।